हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने EVS का चैप्टर 10 आवर ड्यूटीज लेकर आई हूं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वी शुड ऑलवेज हेल्प ईच अदर इन आवर फैमिली। हमें हमेशा परिवार के सदस्यों की मदद करनी चाहिए। दिस विल स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस अमंग फैमिली मेंबर्स। और ऐसा करने से क्या होता है, परिवार के सदस्यों में आपस में प्यार बढ़ता है और खुशियां बढ़ती हैं। वी आर अ हैप्पी फैमिली। ऑल द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली हेल्प ईच अदर्स। ईच मेंबर इन अ फैमिली हैज सर्टेन ड्यूटीज। हमारा जो परिवार है बहुत खुशी वाला परिवार है, खुशहाल परिवार है। ऑल द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली हेल्प ईच अदर। और जितने भी फैमिली के मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, वो एक दूसरे की मदद करते हैं। और जितने भी मेंबर्स हैं फैमिली में, उन सब की अलग अलग ड्यूटीज भी हैं। अब बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ पेरेंट्स की। पेरेंट्स डू मैनी थिंग्स फॉर देयर चिल्ड्रन। माई फादर वर्क्स इन एन ऑफिस, ही अर्न्स मनी फॉर द फैमिली। जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारी हेल्प करते हैं। किसके लिए? बच्चों के लिए। और मेरे फादर जो हैं वो ऑफिस में काम करते हैं और वो पैसे कमाते हैं अपने परिवार के लिए। माई मदर इज अ हाउस वाइफ। मेरी माता जी हाउस वाइफ हैं। शी कुक्स फूड फॉर अस। शी हेल्प्स मी टू डू माई होमवर्क। और वो खाना भी पकाती हैं हमारे लिए और हमारी होमवर्क कराने में भी मदद करती हैं। सम मदर ऑल्सो वर्क्स इन एन ऑफिस। और कुछ मदर्स जो होती हैं वो ऑफिस भी जाती हैं, ऑफिस में भी काम करती हैं। दे आर कॉल्ड वर्किंग वुमेन। और उन वुमेन्स को वर्किंग वुमेन कहा जाता है। इन सम फैमिलीज फादर ऑल्सो हेल्प इन द किचन। कुछ फैमिलीज में ऐसा भी होता है जिनकी फैमिलीज में फादर भी किचन में हेल्प करते हैं। दे बाय वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट। जैसे कि बाजार जाकर सब्जियां खरीद लाना, फल खरीद के लाना, ये भी एक प्रकार की मदद होती है। पेरेंट्स टेक केयर ऑफ अस व्हेन वी आर नॉट वेल। और जब कभी हम बीमार होते हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा होता है, तब हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा हमारा ख्याल रखते हैं। नेक्स्ट आता है ड्यूटीज ऑफ चिल्ड्रन। अब बच्चों की क्या ड्यूटीज होती है? वी शुड ऑल्सो हेल्प आवर पेरेंट्स। हमें भी अपने पेरेंट्स की मदद करनी चाहिए। माई सिस्टर एंड आई हेल्प आवर पेरेंट्स टू कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन। हम अपने पेरेंट्स की कैसे मदद करते हैं और मेरी सिस्टर भी कैसे मदद करती है? घर को नीट एंड क्लीन रख के, क्योंकि अगर घर साफ सुथरा रहेगा तो उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वी हेल्प आवर फादर टू वाटर द प्लांट्स। और पेड़ों में पानी भी डालकर मदद करते हैं। उसके बाद वी ब्रिंग मिल्क फ्रॉम डेयरी। वी टेक केयर ऑफ आवर गेस्ट। और जब हमें कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम डेयरी से मिल्क भी लाते हैं और जो हमारे गेस्ट होते हैं उनका भी ख्याल रखते हैं। वी बाय स्मॉल थिंग्स सच एज ब्रेड, बटर, शुगर, टी, etc. फ्रॉम द मार्केट। और जब कभी कुछ छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है तो उसके लिए भी हम बाजार से ब्रेड, बटर, शुगर, टी, इन सब चीज़ों को भी लाते हैं। तो इस तरीके से बच्चे भी अपनी फैमिली की मदद करते हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं वर्कशीट। ये मैंने बहुत ही सिंपल वर्कशीट बनाई है। जैसे कि यहाँ पे मैंने मल्टीपल चॉइस बनाए हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। हु अर्न्स मनी फॉर द फैमिली। फैमिली के लिए मनी कौन अर्न करता है? फादर। हु कुक्स फूड फॉर द फैमिली। फैमिली के खाना कौन बनाता है? मदर। हु हेल्प्स पेरेंट्स टू वाटर द प्लांट्स? फ्रेंड्स और चिल्ड्रन? चिल्ड्रन। नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स। फादर वर्क्स इन एन ऑफिस, अभी बताया था मैंने। उसके बाद चिल्ड्रन कीप देयर हाउस नीट एंड क्लीन। डैश हेल्प चिल्ड्रन टू डू देयर होमवर्क। कौन हेल्प कर, किस चीज की हेल्प होती है हम होमवर्क में? कौन करता है? मदर। इन सम फैमिलीज फादर्स ऑल्सो हेल्प इन द किचन।
तो इस तरीके से फिलअप्स करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैचिंग। यहाँ पे मैंने फैमिलीज के मेंबर्स लिख दिए हैं, उसकी तरफ उनकी ड्यूटीज लिख दी हैं। तो अब मैच करेंगे कि कौन सी किसकी ड्यूटी क्या होती है। फादर अभी बताया था अर्न मनी, मदर कुक्स फूड, ब्रदर वाटरिंग, सिस्टर क्लीन हाउस। तो इस तरीके से आप मैचिंग करा सकते हैं। उसके बाद मैंने एक छोटी सी एक्टिविटी बनाई है कि बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आएगा और बच्चा जो है आसानी से उसको समझ भी पाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक सीनरी बनाई है और उसमें बच्चों को आप इस तरीके से कुछ भी कलर करके करा सकते हैं। तो पेरेंट्स इस तरीके से आप बच्चों को कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए दे सकते हैं, जिससे कि बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ेगा पढ़ाई में, वो थोड़ा सा क्रेजी भी बनेंगे। क्योंकि अगर हम बच्चों को इंटरेस्ट जगाकर अगर पढ़ाई नहीं कराते हैं तो बच्चे का इंटरेस्ट जो है धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो इस तरीके से आप ज़रूर उन्हें एक्टिविटी कराइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।